बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप इस तरह की एनिमेशन देखना चाहते हैं तो आइए रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो लेट्स गो, हम ये एनिमेशन की बात करते हैं कि हम इस एनिमेशन को कैसे बना सकते हैं जो कि मोबाइल के अंदर बहुत ही ईजीली हम बना सकते हैं। तो आएँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं इस पे बैक पे जाती हूँ। जाने के बाद मैं अपने ये तमाम पोर्शंस को डिलीट कर देती हूँ। तो ये मैं आपको पहले भी काइन मास्टर के बारे में एनिमेशन बता चुकी हूँ, बहुत ही ईजी है। रिलैक्स कीजिए, बहुत ही ईजीली आप ये एनिमेशन बना सकते हैं। इसके अलावा मैं हम बात कर चुके हैं पोज 3D Max की, और जो साथ साथ और हम बात कर चुके हैं अपनी मैनिक्विंस के भी, एनिमल्स के एनिमेशन भी और पोज मैक्स यानी कि मैन वूमेन की भी। तो अब हम बात करते हैं एक कार्टून की यानी कि कार्स एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, जो कि काइन मास्टर में बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने यहाँ पे मीडियम, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, आपको पूरा सिखाती हूँ। मीडियम में जाइए। मीडियम में जाने के बाद सबसे पहले आप जाइए अपनी उस ऑप्शन पर जहाँ पे आपने अपनी इमेजेस को डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप पिक्साबे से भी डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री कमर्शियल जो इमेजेस हैं वो। सबसे पहले आपने मीडिया पे जाकर ये एक कलर कोई सा भी सिलेक्ट कर लेना है या कोई सी भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी, क्योंकि फिर हम लेयर में जो पिक्चर लेकर आएंगे उसको हम अपनी मर्ज़ी से क्रॉप कर सकते हैं। इसमें वैसे एक ही इमेज के ज़रिए नहीं होती, लेयर बाय लेयर हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। कोई सा भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर अपने उस ऑप्शन पर आइए जहाँ पर आपकी इमेजेस पड़ी हैं, यानी कि कोई रोड पड़ा है या यहाँ पर कुछ और चीज़ ऐसी पड़ी है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं। तो ठीक है, हमने इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखें मेरे ऊपर आ रहा है शटर स्टॉक, यानी कि इसको हम कॉपीराइट भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद हम इसको जूम करते हैं, फुल बड़ा साइज करते हैं, और इसके बाद हम इसके ऑप्शन में आते हैं। यहाँ से कलर फिल्टर में आ जाइए या एडजस्टमेंट में आ जाइए। इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिए या कम कर लीजिए, थोड़ी सी चेंजेस तो जाहिर सी बात है फिर आपको इमेजेस अगर लेनी है तो उसमें आएंगी। ह्यू में जाकर इसका सैचुरेशन हम तब्दील कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, आपको जोन सा अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है, ज़्यादा नहीं, बेशक कीजिए, इतना कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं साइज़, यानी कि सॉरी इमेज को उसके बराबर कर लेते हैं। ये हमारी लेयर बाय लेयर तैयार हो रही है, ठीक है। उसके बाद अब ये अब हमारे कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि हमारा इमेज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर आप गूगल से लेते हैं, पिक्साबे से तो वैसे ही फ्री है, ठीक है। और इसके बाद अब आपने यहाँ पर लेयर लिए इसको, अब आपने इसको देखना है कि आपकी जो ये, इसको थोड़ा बढ़ा लें आप ताकि आपकी जो वीडियो है यानी कि ये एनिमेशन सही से हो सके। इसके बाद आपने यहाँ पे साइड पे यहाँ पे जाना है, पॉइंट्स में की फ्रेम्स लगाने हैं, प्लस के निशान पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा इधर लेकर आना है, फिर एंड पे ले आइए। लाने के बाद इधर जहाँ तक हमारा कलर है वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे, ठीक है। ओके हो गया। अब हम देखते हैं हमारा बैकग्राउंड एनिमेशन कर रहा है, ठीक है। ये था काम बैकग्राउंड को एनिमेट करने का, ठीक है। इसी तरह से एनिमेशन करता जाएगा, जितनी इसको वक्त टाइम को कम कर देंगे उतना ये स्पीड में काम करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लेयर जाते हैं, मीडिया में जाते हैं। मीडिया में जाने के बाद डाउनलोड्स में जाते हैं, मेरे में क्योंकि मैंने जो इमेज सेव किए हैं वो डाउनलोड ऑप्शन में है। इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगी, अपनी कोई सी भी कार लूँगी, जैसे कि मेरे पास बैक पर जाती हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पर जाती हूँ और एक कार ले लेती हूँ, ठीक है। इसको क्रोमा की यूज़ करते हैं, क्रोमा की में कलर फौरन आपका ग्रीन कलर हो, पीछे से ग्रीन स्क्रीन हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है, वाइट भी चेंज हो जाता है, लेकिन थोड़ी इसमें मुश्किल होती है चेंज सेट करने में, ठीक है। अब अगर तो ये अगर आपने गूगल से ली है, आप इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए, इसका कलर चेंज कर लीजिए। वो आप कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट में जाइए, ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिए और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लीजिए, ठीक है। इसका हमारा कलर चेंज हो गया। इसके बाद अब आप इसके साथ क्या करेंगे, ठीक है। इसको आपने एनिमेट करना है, इसको बैक पे ले जाइए, की फ्रेम्स को सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा आगे लेकर आइए गाड़ी को, की फ्रेम लगा लीजिए। ये आपकी गाड़ी यहाँ तक फुल जाएगी जिधर आप लेके जाना चाहते हैं इधर, और इसको ओके कर लीजिए, ठीक है। ये है आपकी कार जो एनिमेट कर रही है। अगर हम इसको यहाँ से कम कर दें तो ये हमारी जल्दी एनिमेट हो जाएगी, देख सकते हैं हम, ठीक है।
या आपकी अपनी मर्जी है, स्लोली मोशन देना चाहते हैं कि फास्ट। फिर इसके बाद दोबारा से लेयर में जाएंगे हम, मीडियम में जाएंगे और हम वही कार को सिलेक्ट कर लेंगे और क्रोमा की ओपन कर लेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट भी आप इजीली कर सकते हैं, तो डुप्लीकेट में भी एक ही बात है, काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसको फ्लिप कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे और इसका भी यहाँ से बढ़ा लेंगे और एडजस्टमेंट में जाएंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, ब्राइटनेस को डार्क कर देंगे, यहाँ से इसका कलर ये ले लेंगे, ओके करेंगे। इस कार को हम यहाँ ले आएंगे और इसका की फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंड में आएंगे और ओके करेंगे। सॉरी, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से देखते हैं। देखें, अब ये हमारी थोड़ी सी ऊपर है, हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे इतना, ओके। अब देखते हैं, इस तरह से ये एनिमेट कर रही है, ठीक है। और जो इसको हम की फ्रेम में आते हैं, ये जो की फ्रेम है इसको माइनस करते हैं और यहाँ से हम की फ्रेम यहाँ लगा लेते हैं और यहाँ से हम यहाँ लगा लेते हैं और इसका टाइम बस सही है, इतना ही रहने देते हैं। अब देखते हैं हम, ठीक है, आपकी गाड़ी चली गई, इधर से टाइम कम करें तो देख लें एंड जल्दी चली जाएगी, ठीक है, ये वक्त कर दिया है। फिर इसके बाद हम इसी लेयर को, इसको यहाँ पर रखते हैं, लेयर में जाते हैं, मीडियम में जाते हैं, अपनी कार सेलेक्ट करते हैं, क्रोमा की ओके करते हैं, इनेबल करते हैं, एडजस्ट कलर फिल्टर करते हैं और यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन में जाते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ओके। और इसको हम थोड़ा बहुत छोटा बना लेते हैं, छोटा बना लेते हैं, इसका की फ्रेम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसका, अभी एक सेकेंड देखते हैं, हम ये नीचे से चलेगी, आप देख सकेंगे ये आते आते नीचे हो जाएगी और इस तरह से, ठीक है। मीडिया में जाते हैं, लेयर में जाते हैं और यहाँ पे मेरे पास एक व्हाट्सएप वीडियो में है, ये क्रोमा की इनेबल करते हैं, की कलर को सेलेक्ट करते हैं, इसको वाइट करते हैं, इसको यहाँ से सेट करते हैं इस तरह से और ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पे लिख रहा था की फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, ये यहाँ से आएंगी अपने पर हिलाते हुए और यहाँ पे नीचे हो जाएंगी, ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये थी इस तरह से हमारी इमेज। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी, अगर इसको भी आगे पूरे पे आप ये यानी कि बी लेकर आना चाहते हैं तो आप इसको लेकर आ सकते हैं। तो ये थी हमारी एनिमेशन की वीडियो, बहुत इजीली कार्स एनिमेशन, बैकग्राउंड एनिमेशन और जो हमने एक करेक्टर ऐड किया वो भी, और साथ ही साथ एक और हमने यहाँ पे जो ऐड किया था वो था हमारा एक बर्ड, तो वो हम जाते हैं बर्ड में, सॉरी यहाँ से ये बर्ड था हमारा, बर्ड की एनिमेशन क्रोमा की इनेबल, ओके। इसको हम एनिमेट करते हैं अपनी मर्ज़ी से या हम इसको फुल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम, अच्छा एक और बात है कि अगर आपकी कोई यानी कि गाड़ी बैक पे हो जाए, मैं एक और बात बता देती हूँ आपको, अच्छा पहले हम इसके एनिमेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इधर लेके जाते हैं और फुल बैक पे जाते हैं, की फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, इसके एनिमेशन को यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ लेकर आते हैं और फिर यहाँ ले जाते हैं, ओके। अब दिखाते हैं आपको परफेक्ट सी एनिमेशन, तो आप इस तरह से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड बात, अगर आप एक और बैकग्राउंड यानी कि लेयर में ले आएँ और मीडिया में जाएँ, ज़रा एक और मैं आपको जल्दी से बैकग्राउंड लेकर दिखा देती हूँ, जैसे कि मुझे ये बैकग्राउंड लेना है और ओके मुझे इसको ओके कर देना है, ठीक है, ये मेरा बैकग्राउंड है। अच्छा अब मैं इसको चलाती हूँ, आप देख सकते हैं ना मेरा बर्ड नज़र आ रहा है, ना आपको मेरी कार नज़र आ रही है, जब तक ये बैकग्राउंड है तब तक, जैसे ये बैकग्राउंड ख़त्म होगा आ जाएगा। तो इसका एक मेथड है कि अगर आपने एनिमेशन बनाई है, जस्ट आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो आप इधर थ्री डॉट्स पर क्लिक कीजिए और प्रिंट टू, इसको यानी कि अपनी जो सेंड टू बैक कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी अभी हुआ नहीं है, सेंड टू बैक कर दीजिए,
तो आप देखेंगे ये बैकग्राउंड इसको डिलीट किया होगा तो आपको वो बैकग्राउंड आपको सामने नज़र आएगा। ये इतना सा वर्क है, इसको हम डिलीट करते हैं। तो अब इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक तरीके से हमारी एनिमेशन जो है ये रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी ये हम एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी बहुत अच्छी से, और इसको यहाँ से जाके आप शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी वीडियो नहीं सेव हो रही तो जस्ट जाके स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए। एक कैन मास्टर का ये इशू आता है कि ये वीडियो कभी सेव कर देता है कभी नहीं। तो ये था इसका बहुत ही ईजीली तरीका, उम्मीद है आपको समझ आ गया। तो प्लीज़ चाहते थे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।